अपने देश के शोषित वंचित वर्ग के साथियों, मैं आपसे आज अनुरोध के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश को दुनिया का उत्कृष्टतम राष्ट्र एक मॉडल के रूप में होना चाहिए था दुनिया के समक्ष, क्योंकि उत्कृष्टतम राष्ट्र को बनने के लिए जो बहुमूल्य चीज़ों की आवश्यकता होती है वे सब चीज़ें हमारे देश में बहुलता में सरलता से उपलब्ध हैं। हमारे देश में जलवायु जो दुनिया में कहीं भी नहीं है किसी देश में, वो जलवायु हमारे यहाँ 12 महीना उपलब्ध है। हमारे देश में जो खनिज संपदा है, दुनिया में उतनी खनिज संपदा किसी और देश में नहीं है। हमारे यहाँ फ्लोरा फौना जो पशु और पक्षियों की विभिन्नता के साथ जितनी संख्या में उपलब्धता है किसी और देश में नहीं है। इसके साथ ही साथियों, हमारे देश में बहुजन वर्ग के वे लोग जो इतने मेहनतकश हैं, हमारे देश की संस्कृति ही श्रमण संस्कृति है, अर्थात श्रम के साथ ही कुछ करके अपना जीविकोपार्जन करना जिनका उद्देश्य है, और हमारे देश में इसके साथ ही दुनिया में जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों का संदेश जो हमारी शिक्षा का आधार रही हैं, जब तक इस देश के शासकों ने उनकी शिक्षाओं का के आधार पर इस देश को चलाया, उस युग को दुनिया में स्वर्ण युग कहा गया इतिहास में। और इसके साथ ही उन शिक्षाओं के आधार पर व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने इस देश को अपना विश्वगुरु माना। तो साथियों, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो हमारे पास है, लोकशाही दुनिया में हमारे पास ही है जो दुनिया में मशहूर है, लोकशाही जनतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी जिसे आइन कहते हैं संविधान को, वो दुनिया में उत्कृष्ट संविधान कुछ समय पहले अभी पिछले वर्ष में अफ्रीका में घना के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने वहाँ महात्मा गांधी की लगी हुई मूर्ति को हटाने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर कहा कि इन्होंने हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का रोपण किया हुआ है और प्रयास किए, इसलिए हमें इनके सिद्धांतों की इस देश में आज आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इनको हटा के अगर हमें भारत देश बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति देता है तो हम खुशी से लगाएंगे। महात्मा गांधी की मूर्ति को हटा दिया गया और उन्होंने इसके साथ ये कहा कि दुनिया का सर्वोत्तम संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित है देश में, मैं उसे अपने देश में लागू करना चाहता हूँ। तो साथियों, दुनिया का सबसे उत्तम संविधान जो हर मानव को देश में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को समता स्वतंत्रता बंधुता के आधार पर उत्कृष्ट उत्तम जीवन के लिए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अधिकार देता है, ऐसे अधिकार युक्त संविधान को इस देश में शासकों द्वारा ध्वस्त करके असमानता वाले मानव में असमानता पैदा करने वाले जाति में बांटने वाले संविधान को लागू करके फिर इस देश में पुष्यमित्र सुंग के शासन को लाने का मनसा बना के इस देश में व्यवस्था बनाने का प्रयास है। और यदि हम अभी क्या, अभी एक महंत ने सेंट्रल विस्टा जो देश की नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उनकी रिट को खारिज कर दिया गया और
जहाँ के ये 1916 में जिनके बने हुए पार्लियामेंट हैं अन्य देशों में, वे आज तक वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे देश में इस पार्लियामेंट को 1927 में बनाया गया था, आज भी वो पार्लियामेंट काम कर रही है, लेकिन इन्हें अपने तरीके से चलाने और बनाने के लिए उन महंत ने कहा, जिस दिन इस नई पार्लियामेंट में प्रवेश होता है उस दिन नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि दुनिया की सर्वोत्तम लोकशाही जनतंत्र को ध्वस्त करने के साथ ही इस देश में फिर से सामंतशाही लाने का इनका इरादा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर हमने इस आरएसएस की फैक्ट्री से पैदा होके शासन को चलाने वाले लोगों को नहीं रोका, उत्तर प्रदेश में आने वाले शासक को हमने नहीं हटाया या रोका, तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर की व्यवस्था को, इस सबसे बड़ी लोकशाही को, संसदीय प्रणाली को हमें बनाए रखने का अवसर दोबारा नहीं होगा। इसलिए सभी लोग आज उठ खड़े होने के लिए मजबूर से हैं। अगर नहीं उठ खड़े होते हैं इस संविधान को बचाने के लिए, अपने देश की व्यवस्था को बचाने के लिए, अपने देश के आन में इंसानियत को बचाने के लिए, अपने बच्चों के सुखद जीवन के लिए, जहां उनको समता, स्वतंत्रता, समता के आधार पर विकसित होने के लिए अधिकार प्राप्त संविधान है, इस संविधान को बचाने के लिए आज आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इसलिए हमारा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सब लोग इसको, संविधान को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो माहौल दें जिसमें वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के साथ अपने जीवन को जी सकें और विकास कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमस्कार।